लगभग 2 महीना मैं घर पर नहीं था, इसीलिए रेगुलरली वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया। आज करीब 2 महीने के बाद मैं घर पर वापस आया हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे एप्पल के पौधे में कितने सारे फ्लावर्स आए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे फ्लावर्स आए थे लेकिन वो ठीक से सेट नहीं हुए। इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, शायद बारिश की वजह से अपने पौधे में फ्लावर्स सेट नहीं हो पाए। यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स सूखे पड़े हैं यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इस साल सेट नहीं भी हुआ तो अगले साल ज़रूर होगा। यह है मेरा दूसरा पौधा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे अनार के पौधे में कितने सारे अनार लगे हुए हैं। ढेर सारे अनार मैं यहाँ पर आने के बाद देख रहा हूँ। प्लांट्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा अनार भी आए हैं। यह है मेरा एप्पल बेर का प्लांट जिसको मैं इस साल प्रूनिंग नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरा पौधा का शेप बिल्कुल ख़राब हो चुका है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। लेकिन अपने पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आ चुके हैं। अब मैं इन फ्लावर्स के ऊपर ज़्यादा खास कुछ केयर नहीं करूँगा क्योंकि इस साल मुझे इस पौधे से उतना अच्छा रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत केयर तो करना होगा। अब चलते हैं मेरे दूसरे एप्पल बेर के पौधे की तरफ। ये रहा मेरा दूसरा एप्पल बेर का प्लांट जिसको मैंने इस साल प्रूनिंग नहीं किया। इस पौधे में भी ढेर सारे फ्लावर्स यहाँ पर आप देख ही सकते हैं और अपना पौधा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके अलावा जो लीची के प्लांट्स थे वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे मैंगो के प्लांट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लावर्स आए थे और मैंने इसको तोड़ दिया था। उसके बाद भी फिर से यहाँ पर फ्लावर्स आ गए थे और फिर से मैंने इसको तोड़ दिया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं नया बर्ड्स यानी नया जो ब्रांच निकलेगा वो निकलना अब शुरू हो गए हैं। यहाँ पर भी आए हैं लेकिन शायद गर्मी की वजह से ये ख़राब हो गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यहाँ से फिर से ब्रांच आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। मेरे दूसरे पौधे में भी ऐसा ही हो रहा है और मेरे इस मैंगो के पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे चाइनीज ऑरेंज के प्लांट को देख सकते हैं। इस पौधे में इस साल तो पूरा भर भर के फ्रूट्स आए हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सारे फ्रूट्स हैं। इनको तो मैं गिन के भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इनमें कुछ कीड़े लग गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर मैं कल या आज तो नहीं होगा, कल मैं स्प्रे कर दूंगा। कितने सारे फ्रूट्स लगे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके पास है मेरा दार्जिलिंग ऑरेंज का प्लांट। इस पौधे में भी 2 फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं अभी भी, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक और है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं अभी अभी देखा इसको। और इसके पास है मेरा थाई 7 वैरायटी का गुआवा प्लांट। इस पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। यह मेरा व्हाइट जामुन का प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह पौधा काफ़ी लंबा हो गया है इसीलिए मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। यह है फीक का प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी फ्रूट्स आए हुए हैं और स्टार फ्रूट प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। कितने सारे ब्रांचेस आए हैं और अपना पौधा कितना बुशी बन चुका है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं।
यहाँ पर आप मेरे सपोता प्लांट को देख सकते हैं। इस पौधे में इस साल ढेर सारे फ्रूट्स आए हैं। हर एक बेंच में कितने सारे फ्रूट्स आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी तो यह फ्लावर्स है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फ्रूट्स बन जाएंगे। हर एक बेंच में कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। हर एक ब्रांच में हुआ है, कोई भी ब्रांच मिस नहीं गया, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। लेकिन हमेशा सपोता प्लांट में एक ब्रांच ऐसा होता है जो कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। उस ब्रांच का अपने पौधे में कोई भी काम नहीं होता, इसीलिए आप इस ब्रांच को जल्दी से जल्दी रिमूव कर दीजिए। मैं भी इस ब्रांच को कुछ यहाँ पर से कट कर दूँगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आप मेरे स्वीट इमली के प्लांट्स को देख सकते हैं। इस पौधे में भी ग्रोथ अब शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं नए नए पत्ते यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे गुलाब के पौधे को देख सकते हैं। गुलाब के पौधे का हालत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। प्रूनिंग ना करने से गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और लगभग 2 महीना अपने पौधे में प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसके चलते अपने पौधे का हालत कैसा हो गया है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसीलिए अपने पौधे में हमेशा प्रूनिंग कीजिए। जब भी फ्लावर्स सूख जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, तभी आप आपके पौधे में अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस पौधे का ये वाला फ्लावर अब सूख चुका है। अब मैं अगर इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से नीचे जो नॉट एरिया है उस नॉट एरिया से नए ब्रांचेस निकलेंगे और नए ब्रांचेस में हमेशा गुलाब के पौधे में फ्लावर्स आते हैं। आप अगर इस तरीके से आपके पौधे में प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा और आपके पौधे में हमेशा फ्लावर्स लगते रहेंगे। यहाँ पर आप मेरे स्ट्रॉबेरी गुआवा के प्लांट को देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको ग्रो किया था। जब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था तब मैंने बताया था ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है और इस पौधे का ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है और अपना पौधा कितना बड़ा हो चुका है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आप बहुत ही जल्दी इस पौधे में फ्लावर्स और फ्रूट्स लगने भी शुरू हो जाएंगे। यही था आज का वीडियो मेरे गार्डन का ओवरव्यू के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।